गुड इवनिंग। मिर्चौक पुलिस स्टेशन एरिया में सुल्तानपुरा नूरखान बाजार में जमजम फास्टनर्स बोल के एक ऑटोमोबाइल शॉप है, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का। उस दुकान में चोरी हुआ बोल के 7 तारीख के दिन एक कंप्लेंट आया था। कंप्लेंट आया था साथ ही हमारे मिर्चौक DI दिलीप कुमार और उनका क्राइम टीम और SHO राजकोंडा रविंदर, ये लोग जाके वहाँ पर केस रजिस्टर करके ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और वो वहाँ पर जो अपने को सबूत मिले टेक्निकली उसके जरिए कल शाम में 5:30 बजे चिरागपल्ली जहराबाद के नज़दीक जो है सो एक मुलजिम इनको पकड़े गया। इनका नाम है पुपुन डोले, ये आसाम के रहने वाले हैं। इनको पकड़ के अपन इंट्रागेशन करे पूछताछ करने से उन्होंने जो है सो ये जुर्म जो है सो कबूल लिए। इन्हों जो है सो आसाम के रहने वाले हैं। इन्हों वही दुकान में काम करते थे और वही लोकालिटी वही बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे है सो पेंट हाउस पे रहते थे। इन्हों पिछला 6 महीनों से उनके पास काम कर रहे हैं और इनको समझ में आया कि 9:30 के बाद में दुकानदार बंद कर लेके जाता और इन्हों वहीं रहते और इनको पैसे चाहिए। इनको ये पुनपुन डोले के इनका फैमिली पार्टिकुलर्स और इनके बारे में कुछ भी ओनर नहीं जानता। तो अपन एक अयाशी जिंदगी जीने के लिए ये पैसा चोरी करना बोल के समझ के 7 तारीख के दिन 6 तारीख के रात 7 तारीख के सुबह एक राड वो उसमें ट्रैक्टर का स्पेयर है वो लेके वो ग्रिल को तोड़ के लात तोड़ के अंदर जाके उसमें है सो जो कैश काउंटर में है सो 14,50,000 रुपये चोरी कर लेके अपने गांव को जा रहे थे। तो उन्होंने जाने के जैसा उनको मालूम है सो रास्ता जो है सो गया निज़ामाबाद, ऐसा जहराबाद से जाके निज़ामाबाद जाके वैसे जाने का जो रास्ता है वैसे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग टेक्निकल एविडेंस और मैनुअल एविडेंस दो भी लेके उनको कल हमारे DI दिलीप कुमार और इनका SI नरसिम्हा, कांस्टेबल्स हेड कांस्टेबल श्रीनिवास राव, कांस्टेबल संतोष और अंजन राव, ये लोग इसमें कड़ी मेहनत करें। ये लोगों को ये सब भी हमारे DCP साहब साई चैतन्य साहब के सदारत में और वेंकटेश्वर राव ACP मिर्चौक के निगरानी में हुआ। ये इसमें अपने SHO मिर्चौक रविंदर ये लोग भी ताउन करें। ये लोगों को बधाई देते हुए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हर दुकानदार से भी एक ही गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी को भी काम पे रख रहे हैं, काम पे रखने से पहले उसका डिटेल्स लीजिए, उनका कहाँ रहने वाला कहाँ का है, उनका कोई रिश्तेदार है, उनका आधार कार्ड क्या है, उनका फैमिली मेम्बर्स कहाँ पर रहते क्या है, क्योंकि ऐसा चोरी आप लोग उसमें पैसे रखे किसको मालूम रहता, अंदर क्या भेजा अल्लाह नहीं जाने। ये लोगों को दुकान में काम करने वालों को जानते, ये लोग चोरी करने का चांस है। कम से कम अपने को फलाना आदमी करे बोले ऐसा एक मालूम तो होता। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप किसी को भी नौकरी रखने से पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ जाँच करो आपके लेवल में। कम से कम उनका आधार कार्ड लीजिए, उनका फ़ोन नंबर, उनका माता पिता कहाँ रहते, वो लोग कौन है, रिश्तेदार कौन है, उसके बारे में पता करके रख लेना ज़रूरी है। अगर कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता और कुछ भी हो सकता तो मैं सबको भी ये मशवरा करते हुए ख़त्म करता हूँ।